लॉर्ड्स ऑफ गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो फाइनली हमारा रिवॉर्ड डे सेवन लग चुका है और क्लैन का नाम है क्लैशर्स जो कि काफी डिसेंट एंड काफी बढ़िया नेम लगा मुझे अभी तक के बाकी सारे क्लैंस में से वरना बाकी सबसे तो बड़े उट -पटांग से नेम थे एंड मैं अटैक करने वाला नंबर टू के बेस के ऊपर जिसका नाम है द एग्जीक्यूटर और आप लोग अभी उसे देखकर हंसने वाले हो क्योंकि वो टाउन हॉल फिफ्टीन है एंड अगर उसका बेस देखो लिटरली पूरा ही नूब बेस है आधी सारी चीज लेवल वन की है वन की है टू की है भाई लिटरली एयर डिफेंस देखो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा बंदे ने इतना बड़ा नूब हरकत कर कैसे दी भाई टाउन हॉल फिफ्टीन का बंदा है और उसने बंदे अपने बेस कैसा बिल्कुल एकदम क्या ही बताओ भाई मतलब लेवल वन का ईगल इतनी ईगल <laughs> आर्टिलरी यार ये हर बार ना बहुत टेंटूस्ट लगता है मुझे ईगल आर्टिलरी ठीक है इतना बकवास बना रखा अपना बेस इसने कुछ तो अपग्रेड करता भाई कुछ तो अपग्रेड करता लेवल वन के आचू टावर भी है भाई इसके पास विदाउटल के है। पर इसने बंदे ने मतलब लूट की चीजें तो मैक्स कर ली है पर बाकी डिफेंस को सबको वन पे छोड़ दिया है और आज हम अटैक करने वाले इसी बेस के ऊपर एंड करेंगे थ्री स्टार बाकी आप लोग मेरी आर्मी देख सकते हो वही क्लासिक एंड आर्मी है जो हमने पहले भी इस्तेमाल करी थी ब्लीजर लावा लून जो कि हमें थ्री स्टार दिलाएगी तो मैंने थोड़ी बहुत छोटी मोटी चेंजेस करी अपने आर्मी में तो आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने एक क्लोन की जगह तीन हेस्ट एंड सीसी में की जगह वॉल ब्रेकर ले लिया है एंड बढ़ते बढ़ता अपने अटैक की तरफ तो हम टू ओ क्लॉक की तरफ से अपने कुछ बलून्स एंड अपने ब्लिम को डिप्लॉय करेंगे जो कि हम सीधा खोलेंगे टाउन हॉल के पास अब बस ब्लेम जो है वो सही सलामत पहुंच जानी चाहिए भाई ब्लेम को ना कोई दिक्कत ना दे ये छटा छोट श्रेट दिक्कत दे सकता है भाई दो दो गुब्बारे लग चुके उस पर जो कि सीकिंग एयरमाइन से एंड ब्लेम अपनी सही जगह पे खुल चुका है लगता है मुझे इससे ईगल आटे तो मिल जाएगी एंड टाउन हॉल भी मिल जाएगा आराम से बस विजात तुम निकाल दो क्योंकि मैंने इसमें एक ही क्लोन स्पेल लिया है क्योंकि 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 लगता था ज्यादा क्लोन्स की जरूरत थी भाई बस इन्फर्नोस भी निकाल देना ओके भाई टाउन गलती से मैंने इनविजिबल कर दिया थोड़ा सा लाइट देना पड़ेगा नाव सही अब बिल्कुल सही है भाई टाउन निकाल दो बस भाई टाउन भी निकल चुका है और आर आर्चर क्वीन भी निकल चुकी है एंड काफी अच्छी वैल्यू भी मिल चुकी है मुझे यहाँ के मुझे सारे के सारे सिंगल इन्फर्नोस इनफनजी मिल चुके हैं सारे के तो मिले दो मिल चुके हैं एंड अभी एक बचा हुआ है ना अब तो मेरा मतलब आधा बेस तो यहीं पे क्लियर हो गया भाई और बचा है कैस बेस में अब मैं काम करता हूँ मैं थोड़ा डालता हूँ एक ग्लो आइस ग्लोम डालूंगा लेकिन उससे पहले मैं डालता हूँ मैं थोड़ा सा बेबी ड्रैगन बेबी डर नाम काम बिल्कुल सही कर रहा है बस थोड़ा क्लीन अप कर दे उसको तो डालूंगा डालूँगा पे आइस गोलम एंड जो आइस गोलम है वो अंदर जाने की कोशिश करूंगा किंग एंड क्वीन के साथ तो मेरा आधा कंपार्टमेंट जो स्कैटर शॉट वाला है वो भी निकल जाएगा और जो बाकी का बचेगा वो हम निकाल देंगे अपने लावा लून से अब बस ये जो क्विंग एंड किंग और क्वीन ना सही जाना चाहिए अगर ये गलत चलेगा तो, तो दिक्कत हो जाती है भाई अब तो बिल्कुल सही जा रहा है आइस गोलम भी बिल्कुल सही जा रहा है एंड किंग एंड क्वीन भी बिल्कुल सही जा रहा है बस ऐसे चलते रहो ओके भाई मेरा आइस गोलम एक उड़ गया है देखो आज हम डालेंगे हम यहाँ पर एंड जो क्वीन है वो बिल्कुल सही जा रही है बस क्वीन उस तरफ ना चले जाए भाई यहाँ पे एक वो है क्या कहने एक्सबो तो एक्सबो तो भाई काफ़ी टट्टी एक्सबो था क्योंकि भाई उसको लेवल वन का एक्सबो क्या ही उखाड़ लेता मेरा भाई किंग एंड क्वीन तो बिल्कुल तो सॉरी किंग तो एंड आइजम बिल्कुल सही गए बस अंदर भेज देता हूँ एक वॉल ब्रेकर डाल के पहले लगता है क्वीन एक गलत चले गई है थोड़ी सी क्वीन को उस तरफ नहीं जाना चाहिए क्वीन को किंग के साथ आना चाहिए किंग के साथ आती तो मेरा समझ लो आधा बेस निकल जाता पर चलो कोई ना ये भी सही है अब ध्यान क्वीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा किंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई आइजम की हेल्थ काफी कम है बस फटाफट से किंग एक काम करे सारा निकाल दे देखो अंदर के रास्ते मैंने सारे खोल दिया अब जो मैंने दो वॉल ब्रेकर डाले वो और अंदर का रास्ता खोल देंगे जो काफ़ी सही चीज़ है मेरे ख्याल से स्क्रट शॉट आराम से निकल जाएगा यहाँ पर अगर स्क्रट शॉट निकल गाने पर स्क्रट शॉर्ट बहुत दिक्कत देता है अपना बलून के झुंड को ना एक ही में खत्म कर देता है तो चलो कैसे हमारे फाइनल में स्क्रेट शॉट भी निकल चुका है एंड अभी यहाँ की आधी चीज़ें भी निकल चुका है वहाँ से मेरे ख्याल से क्वीन जो है वो अपना निकाल देगी अब हम डालते हैं अपना मेन आर्मी जो कि लावल उन आर्मी हर दो दो गुबार डालेंगे ग्राउंड को साथ में डाल दिया हमने टाइम भी काफ़ी कम है भाई फोटी फिफ्टी सेकेंड्स बचे हुए हमारे पास ओके अब जाके फिफ्टी सेकंड बचे हुए थोड़ा पहले थोड़ा ज़्यादा थे चलो यार हमने एक और डाल देंगे यहाँ पे लावा लून यहाँ पे डाल देंगे हेड एंड्रस्स जो कि क्वीन को आराम से टेक डाउन कर लेंगे एंड बाकी जब डाल देंगे थोड़े मोटे बलूस गुब्बारे करने वाला था मैं बलून्स डाल देंगे जो कि पूरे बेस को आराम से ले जाएंगे अब बस मेरे पास टाइम ही कमी ना हो चाहिए भाई तीन हेज पहले एक काम करते हैं उनका भी इस्तेमाल कर ही लेंगों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है तो मेरे मतलब स्वैग होता है भाई लिटरली बिल्कुल मैं बताऊँ तो भाई थर्टी सेकेंड बचेगा थर्टी सेकंड में हम बेस को थ्री स्टार कर पाएंगे मेरे ख्याल से तो बेस थ्री स्टार हो चुका है एंड अब देखने कोई जरूरत नहीं गाइस ये फाइनली हमारा पूरा का पूरा बेस जो है वो थ्री स्टार हो चुका है भाई लिटरली हमारे पास तीन तीन स्वैक करने के लिए मेरे पास हेयर स्पेल भी था बस तो मैंने इस्तेमाल इसलिए टाइम लग जाता बाकी आप अब देते तो हमने फाइनली यहाँ पे टाउन हॉल फोर्टीन की टाउन हॉल फोर्टीन को हमने थ्री करा है भाई मज़ा आ गया तो कैस आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल चैनल सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता उनको अगली वीडियो में टिल देन गुड बाय